हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। ये लार्सन एंड टाउबो ग्रुप की एक फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड है, कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर की, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी है। आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। चलिए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट, और रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया, नो डाउट। अच्छा लगेगा आपको, इसके पिछले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट भी अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो बहुत बेहतरीन आपको कंपनी ये लगेगी, बहुत बेहतरीन स्टॉक भी लगेगा ये। चलिए बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं इस कंपनी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो 126 रुपीज़ का, आज की डेट में 4.40 रुपीज़ का जंप, ऑलमोस्ट 3 से 3.5% का जंप देखा गया। 52 वीक लो देखा जाए तो 115 रुपीज़ का है, एंड 52 वीक हाई जो है वो 213 रुपीज़ का है। तो ऑलमोस्ट अपने स्टॉक के प्राइस से ये मान के चलिए हाफ के अराउंड भी आ चुका था। अभी ये हाफ 50% का गिरावट इसमें देखने को मिला, क्योंकि मिड कैप का कंपनी अगर आप इसको कहोगे तो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिली थी, वैसे तो ये इसका अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए आप 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बढ़िया कहूँगा मैं इसको। अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट 8.5 रुपीज़ का है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू 63 रुपीज़ की, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.99, और इंडस्ट्री पी 30 का है, वहाँ पे इसका पी जो है 14.96 है। इसलिए ये स्टॉक जो है बेहतरीन लगता है, मीन्स वैल्यूएशन जो है बहुत अच्छी इसकी दिख रही है अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ के अराउंड की है, और अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट आज मार्केट बंद होने के बाद आया है, और रिजल्ट 6 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, और रिजल्ट कैसा रहा उस पर एक नज़र डालिए। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो कि बहुत बढ़िया है। पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 539 करोड़ के अराउंड था, तो वहाँ से 20 करोड़ के अराउंड का जंप पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा गया है। और देखिए, लेकिन अगर लास्ट ईयर सितंबर की बात करते हैं तो 345 करोड़ का जो है प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला है L&T फाइनेंस का। अगर आप देखिए टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं या टोटल इनकम की बात करते हैं, तो इस बार जो है 3,326 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया, टोटल इनकम जनरेट करी है। लास्ट क्वार्टर में ये 3,152 करोड़ थी, एंड सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में तो 2,609 करोड़ थी। तो आप देखिए, ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखिए 362 करोड़, 384 करोड़, 409, 539, अब की बार 560, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आप देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, देखिए ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन मैं इसको कहूँगा। अगर आप टोटल इनकम की भी बात करें तो देखिए 2,300, 2,600, 2,700 एंड 3,000, तो बहुत बढ़िया। और इस बार कितना है आप खुद देख लीजिए, इस बार कितना है 3,200, तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं इसको कहूँगा आपको। चलिए एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में। अगर आप देखोगे तो देखिए डिविडेंड भी 1 रुपये का डिक्लेयर किया, डिविडेंड थोड़ा कम है ज़रूर, और बोनस वगैरह कुछ इश्यू नहीं किया, बोनस स्प्लिट कोई राइट्स का वो नहीं है। लेकिन टेक्निकली हम इस स्टॉक को अगर एनालाइज करें तो आप ये देखिए, इस स्टॉक में बहुत बढ़िया एक मूवमेंट देखने को मिला था। स्टॉक इतना अच्छी तरीके से जंप करके देखिए इस लेवल पे गया था। अब ये चलिए कि कोई स्टॉक जितनी तेज़ी से जंप करता है, मतलब भैया क्रैक डाउन आने वाला है। ये देखिए बहुत तरीके से ऊपर गया था, लेकिन यही लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये देखिए ये स्टॉक वापस इस लेवल पे आ गया, लेकिन इसका रिजल्ट वगैरह देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें ज़रूर जंप आएगा, एक सॉलिड स्टॉक है। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा सस्ते में मिले तो आप इसको भर सकते हो। किस सस्ते में, मतलब कि या तो इस प्राइस पे 100 से 110 के बीच में, इन लेवल्स पे अगर आपको कहीं मिले, ये एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया। अगर इस लेवल पे मिलने लग जाए ना, अगर गिरावट आगे आती है तो आप इसको बहुत सॉलिड फाइनेंशियल वाला ये स्टॉक मुझे दिख रहा है, आप इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हो इस स्टॉक का। लेकिन अभी से यहीं से ही बाउंस बैक मुझे दिख गया इस सपोर्ट लेवल से, यहां से उम्मीद करते हैं कि यहां से बाउंस बैक ज़रूर करेगा ये। तो अभी की डेट में भी अगर आपको बाइंग करनी है तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इसमें, थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क बनता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा रिजल्ट आया है L&T फाइनेंस का। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।